खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के रास ग्राम से है, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर में रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन किया गया, जिसमें लगभग 300 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकाला गया। रास ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रास के प्रांगण से पथ संचलन शुरू होकर रास के मुख्य बस स्टैंड से नगर के मुख्य मार्गों से गोसवादन के साथ 300 गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। समाजसेवी श्रीदास वैष्णव रास ने बताया कि सर्वप्रथम साका लगाकर प्रार्थना के बाद महेंद्र मेघवंशी द्वारा अवतरण पढ़ा गया। दिनेश कुमार शर्मा द्वारा काव्य गीत गाने के बाद मुख्य अतिथि एवं बोधिकर्ता जिला प्रचारक गुमान सिंह ने राष्ट्रहित में बहुसंख्यक समाज को खड़ा रहने और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाकर पुणे जगतगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने का व्रत लेने को कहा। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में रामलला विराजमान होंगे। इस अवसर को राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर घर हर मंदिर पर दीपावली का भव्य रूप प्रदान करें। जसानाथ महाराज की मंडी रास के गादीपति पीर नारायण नाथ जी महाराज ने सभी को आशीर्वाद देकर रामलला के विराजमान होने के दिवस को जोरदार ढंग से मनाने को कहा। वहीं हरिचेतन जी महाराज रितपुरी सिद्धपुरी महाराज का मठ रास भी विराजमान रहे। इस भव्य आयोजन के स्वागत हेतु संपूर्ण रास ग्राम में आकर्षक रंगोलियां बनाई गई, तोरण द्वार सजाए गए, भगवा झंडियों से पूरे मार्ग को छा दिया और संपूर्ण गांव में सैकड़ों किलो पुष्पों से बरसात की गई। सभी उपस्थिति की दूध पिलाकर भोजन करवाया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में दिनेश कुमार शर्मा, श्रीदास वैष्णव, नंद किशोर सेन, रामदेव मावर, नाथूलाल सोनी, जितेंद्र दग्दी, गोपाल सोनी, पोकरदास वैष्णव, हीरालाल भाटी, प्रेम सिंह टाक, सत्यनारायण वैष्णव, कमल चोपड़ा, गोपाल गुजर, श्याम सिंह सेवरिया, श्याम सिंह राजपुरोहित, कन्हैलाल वैष्णव, महेंद्र मेघवंशी सेवरिया, जिला अध्यक्ष एसी मोर्चा पाली इत्यादि उपस्थित रहे। Stop!